तो पहली बार मुझे बिहार के सबसे बड़े ऑडिटोरियम के अंदर आप जैसे दमदार लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। ऊपर वाले ने इतना शानदार मौका दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। कैसे हम लोग, देखिए वैसे तो हमारे लोगों में कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन यहाँ पे कई टेप से कुछ लोग बोल रहे थे कि जोरदार तालियां, जोरदार हल्ला। मुझे बताइए, क्या तालियां और हल्ला बचाने की जरूरत है क्या? यस, अभी मन बचाइएगा। लव यू सर, लव यू ऑल, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल की गहराई है सर, थैंक यू। एक बात बताता हूँ, देखिए तालियां बजाना और हल्ला बजाना और सीटियां बजाना आपके लिए क्यों जरूरी है सर? जब लगे कि जरूरी है तो बजा लेना, उसके बाद नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अपने यहाँ पे कमी भी नहीं है, क्योंकि जितनी बज रही थी उससे ज्यादा बज रही है, सही है ना? एक बार छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, कहानी भी है, रियल बात है। एक बार क्या हुआ, एक कवि सम्मेलन हुआ, जैसे हम लोग बैठे हुए यहाँ बहुत सारे कवि अपनी अपनी परफॉर्मेंस देने के बाद पीछे जाके बैठे हुए थे, और जब कवि सम्मेलन हो रहा था तो सारे कवि एक दूसरे को अपनी बातें बता रहे थे कि हम आपसे बेहतर हैं, हम आपसे बेहतर हैं, हम आपसे बेहतर हैं। ऐसे ही होते ना कवि सम्मेलन में, आपने देखा होगा। तो एक कुछ हिंदुस्तान के कवि थे और कुछ अमेरिका के कवि थे, तो ऐसी बात में भैंस छिड़ गई तो अमेरिका वाले ने एक ऐसी बात कही जो भारत वाले को समझ में नहीं आई, और अमेरिका वाला ने ये बोला कि आपके हिंदुस्तान के अंदर जो लोग हैं अपनी वाइफ से, अपनी पत्नी से बहुत कम प्यार करते हैं, लेकिन हमारे अमेरिका के अंदर लोग जो है अपनी वाइफ से, अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो ये बात हिंदुस्तान वाले कभी को बड़ी समझ में नहीं आई और उनके बीच में विरोधाभास हो गया। बोले यार ये तो गलत बोल रहे हो, हमने तो ऐसा सुना है कि हिंदुस्तान के अंदर पति अपनी पत्नी से ज्यादा प्यार करता है अरब देशों के बजाय। ऐसा आपने भी सुना है ना? मुझे बोले सुना है ना, सुना है ना, सुना है ना? तो अमेरिका वालों ने बोला कि सर लॉजिक की बात होती है, बोलने से कुछ नहीं होता। तो हिंदुस्तान के कवि ने बोला कि ठीक है लॉजिक बताइए, लॉजिक क्या है? बोला लॉजिक ये है कि हर चीज का इस जिंदगी में एक कोटा होता है, और आपके हिंदुस्तान में लोग अपनी पत्नी से इतना कम प्यार करते हैं कि उस कोटे को पूरा करने के लिए 7 जन्मों का रिश्ता बनता है, और हमारे अमेरिका में लोग अपनी पत्नी से इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि एक ही जन्म में 7 रिश्ते बना लेते हैं। समझ गए? देखिए हर चीज का कोटा है। अब आज के बाद यहां से जाने के बाद समझ लो, जो भी आदमी अपनी पत्नी से ज्यादा प्यार करता हुआ दिखाई देगा, तो इसका मतलब क्या है, और जो आज के बाद कम प्यार करता हुआ दिखाई देगा वो 7 जन्मों तक रिश्ता निभाना चाहता है। तो मेरे दोस्त, इस हर चीज का एक कोटा है, जो आदमी जितना जल्दी कोटा पूरा कर लेगा उसका फायदा है। ताली का भी कोटा है, हल्ले का भी कोटा है, मेहनत करने का भी कोटा है, प्राण का भी कोटा है, फॉलोअप का भी कोटा है, मीटिंग में बैठे रहने का भी कोटा है। आप कौन सा कोटा कब पूरा कर जाओगे ये आपके हाथ में। मेरे दोस्त, आज हम सारे लोग मिलके बिहार के सबसे बड़े इंडोर स्टेडियम के अंदर हैं, और जब मुझे पता चला कि बिहार टीम इतने बढ़िया से काम कर रही है और बहुत कम टाइम के अंदर आप पूरे हिंदुस्तान का सर्विस वेलनेस की टीम एक से बढ़कर एक टीम टॉप पे जा रही है, बड़े बड़े अचीवमेंट ले रही है, टॉप पे दिन दोगुनी रात दोगुनी तरक्की कर रही है, लेकिन जब मुझे महसूस हुआ और मुझे देखने का मौका मिला कि बिहार टीम जो है बाकी टीमों से ज्यादा स्पीड से तेज बढ़ रही है। और मैं आपको बताऊं कि मैं आज आपके बीच में इसलिए हूं कि बिहार की धरती पे आप हो इसके बारे में प्राउड फील करना, बिहार की जमीन में आप हो, बिहार की धरती का पानी आप पीते हो, ये आपके लिए बहुत बड़ी गौरवान्वित करने वाली बात है दोस्त।
और वो इसलिए है कि आज देश की सत्ता पे कौन राज करेगा ये डिसाइड बिहार की धरती के दूर होता है। होता है कि नहीं होता मुझे बताओ। इसलिए जब चुनाव आते हैं तो सारे नेता यही जोर लगा देते हैं, लगाते हैं ना। और आने वाले टाइम में हिंदुस्तान में टॉप नंबर वन पे कौन सी कंपनी रहेगी ये डिसाइड आज का ये होल्ड कर रहा है। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, हो चुका है। होल की भीड़ खचाखच भरा हुआ होल ये साबित कर चुका है कि आने वाले टाइम में AWL ने जो टारगेट किया था कि इतने साल में नंबर वन की होगी कंपनी डायरेक्टर कंपनी हंडी एंड सीईओ मिस्टर संजीव सिंह के कानों में आवाज जरूर चली जाएगी कि अपना टारगेट थोड़ा कम कर दीजिएगा सर, जो आपका टारगेट है उससे पहले AWL नंबर वन हो जाएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं? मेरे दोस्त, मैं आपको देखिए बहुत सारे लोग नए हैं इसलिए मैं थोड़ा सा बेसिक बताना चाहता हूं। मैं आप ही की तरह से बिजनेस कर रहा हूं। यहां पे कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी पढ़ाई में बीए किया होगा, किसी ने एमबीए किया होगा, किसी ने कुछ और किया होगा। मैंने मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं की है और उसकी वजह यह है कि पढ़ाई करते करते मैं सरकारी नौकरी में मुझे जाने का मौका मिला। 12वीं क्लास के बाद मैंने फर्स्ट ईयर किया, सेकेंड ईयर किया, सेकेंड ईयर में मैं पास हो गया। उसके बाद में मैंने भर्ती देखी आर्मी की और पहली रैली देखी थी मैंने मेरी जिंदगी की और उसी के अंदर मैं सिलेक्ट हो गया। और मैं ये कह सकता हूं कि आज तक मैंने बीए फाइनल के एग्जाम नहीं दिए तो ये नहीं कह सकता कि मेरे पास बीए की डिग्री है। मेरे ने कई बार कोशिश की मेरे साथ वालों ने मुझे बताने की कि आप एग्जाम दीजिए, एक साल का अगर और कोर्स करोगे तो आपके पास बीए की डिग्री हो जाएगी। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि मैं बीए की डिग्री क्यों करूं। मेरे दोस्त, आप लोग जब लोगों के पास आते हैं तो एक चीज समझ में आते होंगे, लोगों को तरह तरीके से आप समझाते होंगे कि काम करो, प्लान करो, काम करो, प्लान करो, आप मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा उसके बाद भी लोग मोटिवेट नहीं होते। सही है, वजह यह है कि जब तक आदमी को यह समझ में नहीं आ जाता कि मुझे ये काम करना जरूरी क्यों है, तब तक दुनिया की कोई ताकत उस काम के लिए उसको मोटिवेट नहीं कर सकती। मुझे ये समझ में नहीं आया कि बीए फाइनल की डिग्री लेने का फायदा क्या है और सारी दुनिया ने ताकत लगा ली, मैंने वो एग्जाम देना आज तक नहीं जायज समझा और मैंने एग्जाम नहीं दिया क्योंकि मैंने एक चीज सोची थी। हम लोग जिन परिवार से आते हैं मिडिल क्लास परिवार से, वहां एक चीज नॉर्मली बताई जाती है कि बेटा तब तक पढ़ाई करो जब तक नौकरी ना लग जाए। सही बोला सर। दूसरा कारण, तब तक पढ़ाई करो जब तक शादी ना हो जाए, क्योंकि आदमी की नौकरी नहीं लगी लेकिन पढ़ाई करता है तो शादी हो जाती है कि लड़का पढ़ रहा है, कम से कम कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाएगा, आवारा नहीं घूम रहा है। मेरे साथ संयोग से क्या हुआ कि जब मेरी नौकरी लगी उससे पहले मेरी शादी भी हो गई थी और मेरी नौकरी भी लग गई तो लोग मुझे समझाते थे कि करना है। मैंने कहा यार दो काम मैंने पढ़ाई करते और वो दोनों काम मैं मेरी जिंदगी में कर चुका और मैं भारतीय सेना में चला गया। बाद में प्राउड फील करता हूं कि हिंदुस्तान के निशान पूरी दुनिया के सबसे कम बार किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुझे नौकरी करने का मौका मिला तो मैं उसके लिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। क्योंकि आज कोई आदमी किसी भी नौकरी के अंदर चेक के दम पे जा सकता है, चेक के दम पे जा सकता है, सिफारिश के दम पे जा सकता है, लेकिन अगर आपको भारतीय सेना में जाना है तो आपको फिजिकल फिट भी होना पड़ेगा, मेंटली फिट भी होना पड़ेगा, आपकी हाइट भी होनी पड़ेगी, आपके अंदर हर वो चीज होगी जो सेना के लिए जरूरत है। सिफारिश और चेक के दम पे आप किसी और नौकरी में तो जा सकते हो लेकिन सेना की नौकरी में नहीं जा सकते। आज इसके पीछे कारण आपने यहां पे देखा कि यहां पे आज एनजीओ की इतनी स्पीड से क्यों बढ़ रही है, आपका नेटवर्क इतनी स्पीड से क्यों बढ़ रहा है, उसके पीछे भी एक वजह है कि यहां पर जब आपने अपने अपलाइन करने का मिस्टर नसीब खान जी को, मिस्टर महेश जी को, संदीप जी को, जयवीर जी को और भी कई लीडर्स को जिनका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं आर्मी से रहा है, दिनेश जी को आपने देखा तो एक चीज आपको समझ में आ गई होगी
और इन लोगों ने आप दिन रात करके मेहनत इसलिए करते हैं क्योंकि इनको पहले से ही मेहनत करने की आदत पड़ी हुई है और वहां पे मेहनत करने की आदत पड़ी, वहां देश सेवा की, यहाँ पे वही मेहनत की आदत पड़ी हुई को आगे बढ़ा के यहाँ पे वही समाज सेवा करने का काम कर रहे हैं। इसलिए और सारे फाइटर दिन चौने रात चौने की स्पीड से ग्रोथ कर रहे हैं, इसके पीछे वजह है। आप समझिएगा, मेहनत करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है मेहनत करने की आदत डाल लेना। इन लोगों ने मेहनत करने की आदत डाल ली और इसलिए लगातार मेहनत किए जा रहे हैं। क्योंकि दोस्त आज हम लोग यहाँ पे आए, मुझे मालूम है बहुत सारे लोग आज पहली बार आए, मुझे मालूम है बहुत सारे लोग पहले मेरे से एक बार किसी न किसी हॉल में मिले होंगे, मुझे मालूम है किसी ने हमारा प्लान देखा होगा, मुझे मालूम है कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक प्लान नहीं देखा होगा। लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ दोस्त, इस काम को अगर आप करें तो इस बात के लिए मत करना कि पैसे आएंगे। मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, पैसों के लिए इस काम को मत करना साहब, क्योंकि पैसे दो नंबर का काम करके भी कमाए जा सकते हैं, कमाए जा सकते हैं कि नहीं बोल के बताइएगा। यस। लेकिन काम कुछ ऐसा करना जिंदगी के अंदर आपको अगर मौका मिले तो मेरे दोस्त काम कुछ ऐसा करना कि जब आप किसी गली से निकल जाओ और आपकी पीठ पीछे लोग आपकी बुराई नहीं आपकी तारीफ करें, आपको अपने काम के उस दिन प्राउड फील होगा। हम लोग जो आज काम कर रहे हैं ये काम वो काम नहीं कर रहे कि लोग हमारे मुंह की तारीफ करते हैं, हम लोग ये काम करते हैं कि आज हमारे काम के प्रति लोग मुंह पे कम और पीठ पीछे ज्यादा तारीफ करते हैं। और इसके पीछे वजह ये कि अगर काम करने के लिए ही पैसा कमाने के लिए हम लोग काम कर रहे थे तो शायद दो नंबर का काम करके भी अपना गुजारा कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसने इस रास्ते को चुनना पसंद किया, यहाँ पे एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसने पैसा कमाने की प्रवृत्ति दी। सबसे पहले आप समझिएगा कि आज जब तक आदमी को कितना ही मोटिवेट कर ले, या कृष्ण जी कुछ भी बोले, मैं कुछ भी बोलूंगा, शिव खान जी कुछ भी बोले, लेकिन एक चीज याद रखना यार, जब तक आपका दिल गवाही नहीं देगा ना तब तक आप दुनिया में कामयाब नहीं हो पाएंगे और काम के प्रति आपकी रुचि नहीं हो पाएगी। आप काम के अंदर आपकी रुचि तब हो जाएगी जब आपका दिल गवाही देगा। आप इस काम से अपने आप से सवाल करके देखिए, हम लोग क्या करते हैं? हम लोगों के घरों में जाके लोगों को ये बताते हैं क्या खाना है, क्या पीना है, कब खाना है, कब पीना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है। ये इस बात से लोगों को फायदा होता है कि नुकसान होता है, बताइएगा मुझे? आप मुझे बताइए, जब लोग सब जगह से परेशान हो जाते हैं, हार जाते हैं, थक जाते हैं, जिंदगी की उम्मीद छोड़ देते हैं, आज असली के वेलनेस में एक ऐसी संजीवनी बूटी, एक ऐसा अमृत बना के हमारे हाथ में दिया हुआ है, एक रस के रूप में जो आपके डायबोडोग के रूप में है, इम्यूनोडोग के रूप में है, थंडर ब्लास्ट के रूप में है, डायनोडोग के रूप में है। जब आप किसी परेशान आदमी को प्रोडक्ट देते हैं और जो आदमी चल नहीं पाता, जब वो दौड़ने लग जाता है तो लोग पूछते हैं कि आप इतने पैसे क्यों कमाते हो? मैं बताता हूं, जो चल नहीं पाता था जब वो दौड़ता है तो उसकी दुआओं का असर हो में आता है। आज यहां पर टाइम टेबल नहीं तो मैं आपके बीच में से लोगों को बुलाता, आप ऐसे कई लोगों ने ऐसे लोगों को प्रोडक्ट दिए होंगे, हमारे पास कैंसर की कोई दवाई नहीं है, मैं सरेआम इसके से बोलू, लेकिन आज हमारे प्रोजेक्ट का रिजल्ट इतना दमदार है कि आज कैंसर जैसे भयंकर बीमारियों से जूझ रहे परिवार, जो लोग और उनके परिवार वाले उम्मीद छोड़ चुके कि हमारा दादा बच नहीं पाएगा, देश के बड़े बड़े डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए कि ले जाओ सेवा करो, आज उन लोगों को नया जीवन दान देने का काम किया है। तो आज असली सीएलएस ने प्रोजेक्ट भी किया है, बोलिए ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? आज आपके समाज में आपने देखा होगा ऐसे ऐसे परिवार जिनके घर में शादियां हो गए 10 साल 12 साल 15 साल, आज हमारे प्रोडक्ट के जहां पे लोग 5 लाख 10 लाख 20 लाख खर्चा कर चुके थे, वहां पे मेरे 15-20 हजार रुपए के प्रोडक्ट के बाद उनके घरों में खुशियां आ गई, आज की गाड़ियां गुजर रही है। मुझे बताइए, काम करते हुए हमें प्राउड फील होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
मैं नहीं कहता कि आप पैसे के लिए काम करो, देखिए ध्यान से सुनना, मैं नहीं कहता कि पैसे के लिए काम करो, मत करो। आज से पहले भी आपका परिवार चल रहा है, आज से पहले भी आप शाम को जब सोते हो तो दो रोटी खाके सोते हो। आप अपना, मैं भी दो रोटी खाता हूँ, आप भी दो रोटी खाते हो, मैं भी सुबह खाना खाता हूँ, आप भी खाना खाते हो। ज्यादा पैसे वाला लोगों की गड्डिया नहीं खाता ऐसा। लेकिन एक चीज समझना, जब आप मोहब्बत से काम करते हो, लोगों का प्यार आपके पास आता है, एक सम्मान का काम करते हो, तो रात को आपको करवटे बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको सुकून की नींद आती है। और सुकून के साथ पैसे कमाना है, पैसे कैसे करने जाते हैं। आज हिंदुस्तान के जिस भी कोने में हम लोग जाते हैं, बड़े बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग, फैशन लोग आके हमें बोलते हैं, सर आपने प्रोडक्ट किया था, हमारे घर में फायदा हो गया। मेरे दोस्त, मैं आपको बताऊं कि असली खुशी को उसमें फील करना, जब आपके हाथ से दिया हुआ, उस बात को ध्यान से समझना, आपके हाथ से दिया हुआ कोई प्रोडक्ट किसी आदमी के पास गया और उसको आराम आया, और उसको आराम आने के बाद जब आपको अप्रिसिएशन देता है, आपको धन्यवाद देता है, आप सोच के देखना आपकी जिंदगी में कितनी खुशियां आएंगी। उस खुशी के लिए हम लोग काम करते हैं। मेरे दोस्त, आप सोच रहे हैं एक बात कि हम लोगों की लड़ाई किसी और चीज के लिए लड़ाई है, ना हम किसी के खिलाफ है, ना किसी के पक्ष में है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें ध्यान से समझना। हम लोग इस दुनिया की हर गलत चीज के खिलाफ, हम लोग इस समाज के अंदर जो आज कोई भी इतना समय गलत कर रहा है उसके खिलाफ, असली में इसका जन्म हुआ है। आज इस समाज के साथ कोई भी गलत कमिटमेंट कर रहा है उसके साथ में असली वैल्यूज का उद्गम हुआ है, शुरुआत हुई है। कैसे हुई? लोग बोलते हैं, सर आप पूरे देश के अंदर देखिएगा कि आज से 50-100 साल पहले हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो खाना खाया करते थे, क्या वही खाना खाया करते थे जो आज हमारे बच्चे खा रहे हैं? अब याद देखिए, जब आज से 20 साल पहले, तो शायद आपको याद आ जाएगा, नहीं तो 40-50-60 साल पहले जब स्कूल के अंदर हम लोग जाया करते थे तो चूरमा लेके जाया करते थे, पराठे लेके जाया करते थे, दही लेके जाया करते थे, कुछ ना कुछ ऐसी हेल्थी चीज लेके जाया करते थे, हलवा लेके जाया करते थे। बोलिए, ऐसा होता है? कभी नहीं होता था। आज बच्चा स्कूल में क्या लेके जाता है? बर्गर मंगाता है तो पिज्जा, दूध की जगह कोल्ड ड्रिंक, खाने में चूरमा और हलवा तो उसको पचता ही नहीं। मेरे दोस्त, ये बीमारियों का शुरुआत हमारी गलत खान पान की वजह से हुई है। दूसरी चीज, हम वही कहीं ऐसा शानदार काम कर रहे हैं। आज मैं किसी भी हॉस्पिटल और डॉक्टर के खिलाफ नहीं हूं, मैं मानता हूं कि इस धरती पे डॉक्टर्स भगवान का दूसरा रूप है, लेकिन सरेआम कुछ ऐसी चीजें भी आप देखते होंगे कि किसी को केस का दर्द होता है और डॉक्टर अपना टारगेट पूरा करने के लिए हार्ट का ऑपरेशन कर देता है। सुना है ना? आपने ऐसा सुना है ना कि किसी आदमी को प्रॉब्लम थी, इस दुनिया से आदमी जा चुका और आईसीयू के अंदर दूसरा पेशेंट नहीं आया, तो डॉक्टर ने 2 दिन तक अपने आईसीयू के अंदर मरे हुए आदमी से भी बीमा सुना। ऐसा सुना है कि नहीं सुना? आपने ऐसा पेपर में देखा होगा, आपने ऐसा टीवी में भी देखा होगा, आपने ऐसी चीजें अखबार में सुनी होगी। मेरे दोस्त, हमारी लड़ाई, और आज के बाद मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़े। हम जिस आयुर्वेद के ऊपर काम कर रहे हैं, ये एलोपैथी नहीं है, ये आयुर्वेद है, जो हजारों साल पहले 5000 साल पुरानी पद्धति है। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आज लोग उस टाइम भी जिंदा रहा करते थे, लोग उस टाइम आज से लंबी उम्र जिया करते थे। ये सिर्फ हथकंडों से हम समाज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब, हम ये नहीं कहते कि हम आपको ठीक कर देंगे, लेकिन हम सरेआम कहते हैं कि अगर वक्त वक्त पे हमारा बोले कोई इंसान बिना प्रॉब्लम के भी पिएगा, तो उसके घर में प्रॉब्लम आने से बचाने का काम हमारा प्रोडक्ट करेगा। तो इस काम को करने के बाद जब आपको मजा आता है,
कि यार ये काम तो पुण्य का काम है, ये काम तो धर्म का काम है, ये काम तो वो काम है जिसको काम को करने के बाद कोई थकान नहीं होती, ये काम तो वो काम है जिस काम को करने के बाद जब हम गलियों से निकलते हैं तो लोगों से नजरें छुड़ा के नहीं, लोगों से नजरें मिला के बात कर सकते हैं। और इस काम को करने के प्रति मेरी इच्छा हुई और आज से कुछ समय पहले असल के स्मेललेस नाम का प्लेटफॉर्म हमारी जिंदगी में आया। मेरी जिंदगी का सबसे खुश नसीब पल वो है जब मेरी जिंदगी में इस पल का आगमन हुआ। और मैं दोस्तों एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, आप सारे लोग सुनना, इस दुनिया में कामयाब होने के लिए ऊपर वाला हर आदमी को एक मौका जिंदगी में पक्का देता है। कुछ लोग उस मौके को नजरअंदाज कर देते हैं, मजाक बनाते हैं, कुछ लोग उस मौके को सीरियसली ले जाते हैं और उस रास्ते में चले जाते हैं। और जो लोग सीरियसली लेते हैं वो एक दिन आपको स्टेज पे दिखाई देते हैं, और जो लोग मजाक बनाते हैं उनका हालत पता है क्या होता है? जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? यस सर। आपके किसी के घर में होता रहा हमको देखा आपने? देखा आपने? आपके घरों में तो होता रहा है? Yes. नहीं है? अरे हमारे सबके घरों में होता रहा बैठा है। आपने अपने दादाजी को बोलते हुए सुना, बेटा 20 साल पहले ये प्लॉट 5,000 रुपए में मिल रहा था, आज 5 करोड़ का हो गया, काश मैंने उस टाइम ले लिया होता तो आज मैं भी 5 करोड़ का मालिक। आपने सुना है एयरपोर्ट के बगल का खेत, मेरे किसी पड़ोसी ने 10,000 रुपए मेरे पास गहना गिरवी रखे और मेरे से पैसे लेके और प्रोड किया था, आज उसने खेत के बाहर से हाईवे निकल गया, आज उसने खेत के बाहर फाइव स्टार होटल बन गया, आज वो खेत जो 10,000 का था आज 50 करोड़ का बन गया। काश उस टाइम ये खेत मैंने ले लिया तो आज मैं भी 50 करोड़ का मालिक। ऐसे होता नाम हमारे घरों में बैठे हुए हैं, वो कोई आपके पापा के रूप में है, कोई आपके दादा के रूप में है, तो कोई आपके परदादा के रूप में है। दोस्त कभी उनकी गलती नहीं थी, उनको कोई बताने वाला नहीं था कि होता नाम भी हो सकता है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं क्या जाने अनजाने में कोई ऐसी गलती मत कर देना कि आप भी होता राम बन जाओ। जब मैंने रिसेप्शन में शुरुआत की थी बहुत सारे लोग हमें मिले और आज उनसे वो दोबारा लोग मिलते हैं तो उनका नाम चेंज हो गया। आज उनका नाम क्या हो गया मालूम है? सारे बोलो यार, सारे बोलो। क्या अपने आप को ऐसा होता राम बनने का मौका देंगे? क्योंकि दोस्त ऊपर वाला मौका तो सबको देता है एक बात, उसके बाद मैं आपको बताऊं क्या आपको लगता होगा कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। मैं आपको बताऊं ठीक से, मुझे तो इंग्लिश का एक दो वर्ड में नहीं आता। सच बात तो ये यहां पे बैठे हुए 90% लोग मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। हमारी हालत तो ये है कि सबसे ज्यादा दिक्कत होती है जब कंपनी विदेश ट्रिप में भेजती है फॉरेन ट्रिप के, और प्रॉब्लम ये आती है कि हमें हिंदी आती है उनको हिंदी नहीं आती, उनको इंग्लिश आती है वो हमें नहीं आती, वहां जाके प्रॉब्लम होते हैं यार क्या करें। पिछले कुछ दिनों पहले मैं एक बात बताऊं, हम लोग सिंगापुर गए, कोविड से पहले की बात है, तो सिंगापुर हम बहुत क्रूज में ड्रीम क्रूज है, वहां पर 3 दिन घूम के आ गए। चौथे दिन हम लोग आए, हम लोग कई लीडर और हमारे यहां गाइड जो थी वो एक लड़की थी, विदेशों में मैक्सिमम में जो आपका गाइड का काम करती है वो लड़की ही करती, तो हम तीनों लीडर एक जैसे, हम तीनों लीडर ये पूछ रहे हैं। आपने सिंगापुर के फोटो देखे होंगे तो आपने देखा होगा सिंगापुर के जगह जगह फोटो पे एक शेर का समूह बना हुआ है जहां से पानी निकलता रहता है, कैसे सीन है। हम लोग वहां पे फोटोग्राफी करना चाहते थे तो हमने मैडम से पूछा कि मैडम जो आज शेर के मुंह से पानी निकलता है वहां पर हम कब जाएंगे, वहां पर हमें फोटोग्राफी करनी है। अब मैडम को हमने पूछ तो लिया लेकिन उसको समझ में नहीं आया क्या पूछना।
हमारे साथ में क्लियर थे, उन्होंने भी कोशिश की कुछ न कुछ पूछने की, उसको फिर भी समझ में नहीं आया। तो मेरे साथ में जो दूसरे लीडर थे उन्होंने भी पूछने की कोशिश की, उनको भी समझ गया। और आखिर मैंने पूछा कि मेरी इंग्लिश तो बहुत बढ़िया है, और उसने जवाब दे दिया सर मैंने फोन नहीं है, मैं सर कुछ बोला उसने, और मैं पीछे मुड़ के मैंने बोला देखो जो काम तुम नहीं कर पाए वो काम मैंने कर दिया। और वो दोनों लीडर देख के मुझे हंस रहे थे, मैंने कहा हंस क्यों रहे हो, जो काम आप नहीं कर पाए वो काम आपके अप्लाई ने कर दिया। बोला सर मालूम आपने क्या पूछा, मैं भूल गया मैंने पूछा क्या, क्योंकि मेरी को इंग्लिश तो सब टाइम आई थी, थोड़ी देर के लिए आई थी, बाद में चली गई आवाज। आपको बता क्या पूछा, मैं तो भूल गया। बोला सर आपने ये पूछा कि मैडम वी गोइंग विच टाइम शेयर बहुत मनी, लेकिन मैंने यार आपको ये बोला कि शेर के माउथ से पानी निकले या शेर के माउथ से वाटर निकले क्या फर्क पड़ता है, फर्क इस बात से पड़ता है कि हमारे पास AWPL है जिसमें इंग्लिश आती है फटाफट फराकेदार, वो हमारे लिए गाइड है, और जिसको हिंदी आती है वो घूमने का काम करता है। दोस्त इसलिए चुकी सबसे खूबसूरत आज के बाद आप किसी भी नौकरी में जाना, आपसे जात पूछी जाएगी, बात पूछी जाएगी, आपसे धर्म पूछा जाएगा, आपसे हाल पूछा जाएगा, आपका कलर पूछा जाएगा, आपका बैकग्राउंड जाना जाएगा। इस इंडस्ट्री में अगर आपको कामयाब होना है कोई भी पूछता किस धर्म से हो, किस जात से हो, किस बात से हो, कहां से ताल्लुक रखते हो, किसके खानदान से हो, क्या बैकग्राउंड है, अगर एक चीज पूछ जाएगी, अगर सपने जिंदा है और सपने पूरे करना चाहते हो तो ये AWPL आपके लिए। क्या सपने जिंदा है, क्या सपने पूरे करना चाहते हो, फैक्ट्री करता आपने संजय जी को यहाँ पे देखा, इन्होंने बोला मुझे जब कोई विकलांग बोलता है तो गुस्सा आता है, तो मैंने विकलांग पता क्यों बोला, ये उस टाइम इंग्लिश में विकलांग को कुछ बोल रहे थे वो भूल गया क्या होता है, हिंदी मुझे आती है इसलिए मैंने बोला विकलांग क्या होता है इंग्लिश में, हिंदी नहीं आता था कोशिश कर, विकलांग बोलने में इनको बोला गुस्सा आता है, लेकिन मैं कहता हूं कि संघर्ष में काम करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके हाथों में जान हो, आपके पैरों में जान हो, आपके शरीर में जान हो, जरूरत इस बात की है कि आपके सपनों में जान होनी चाहिए, आपके सपनों में जान आनी चाहिए, लेकिन अगर आपके सपनों में जान होगी और उसके बाद कदर करना, ये प्लेटफॉर्म AWPL नामक प्लेटफॉर्म आसानी से नहीं मिला है, या तो हमने पिछले जन्म में या हमारे मम्मी पापा ने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से ये शानदार प्लेटफॉर्म हमें मिला है। मेरे दोस्त पूजा करना इस प्लेटफॉर्म की, क्योंकि लोग कामयाब इस बात से नहीं होते कि मेहनत कितनी करते हैं, लोग कामयाब इस बात से होते हैं कि मेहनत कहां करते हैं। मेरे दोस्त प्लेटफॉर्म की बात है, जब एक आदमी नॉर्मल जगह काम करता है, मेरे पास आज नसीब से बोला फैला है 250 की स्पीड में चलने की औकात रखती है, आज यहां पे मर्सिडीज जोड़ी BMW के मालिक बैठे 250 से 200 की स्पीड में चलने का गाड़ी में दम है, लेकिन क्या पटना की गलियों में चल पाएंगे क्या, पटना की गलियों में फैला जो 250 की स्पीड में चल सकती है उसको एक साइकिल वाला और बाइक वाला और पैदल आदमी क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि गाड़ी में दम है, ड्राइवर में दम है, तेल में दम है, तेल टंक भी भरी हुई है लेकिन दम उन टायरों के नीचे जो रोड है उसमें नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं उसके बाद चेक करना एक बात, मेरे कहने से एक चीज चेक करना मत करना AWPL के लिए काम, एक चीज चेक करना कि आज जो काम आप कर रहे हो ये काम आपको कहां तक लेके जा सकता है, आज जो आप काम कर रहे हो इस काम की पैसा देने की कामयाबी लगाने की औकात क्या है, आपको अपनी औकात नहीं देखनी है, आपको इस काम की औकात देखनी है। जिसको भी कर रहे हो, मैं किसी भी नौकरी को बिजनेस को दुकान को गलत बात नहीं बताता, लेकिन सोच के देखिए यहां पर कोई टीचर होगी
आज किसी टीचर को 50,000 सैलरी मिल गई, 10 साल बाद 2 लाख हो जाएगी, 20 साल बाद 3 लाख, 30 साल बाद 4 लाख, 5 लाख। एक टीचर कितना ही ईमानदारी से पढ़ा ले, कितना ही सुबह से शाम तक मेहनत कर ले, क्या 30 साल के बाद 5 लाख रुपए महीना से ऊपर जा पाएगा? मेरे जो टीचर में दम है, पढ़ा सकता है, मेहनत कर सकता है, कितना तक करता है, लेकिन उसके प्लेटफॉर्म पर दम नहीं है। आज अगर यहां पर नसीब खान जी ने बोला कि मैंने करोड़ों रुपए कमाए, आज यहां से 35 लाख रुपए महीना कमाता हूं, नसीब खान जी की वजह नहीं है, वजह इस प्लेटफॉर्म की है जो आज आपको मिल चुका है। इसकी कदर करनी पड़ेगी। और इंदिरा आज से यहां पर जाने के बाद देखिए दो चीजें होंगी, कुछ लोग टेम्पररी मोटिवेट होंगे और कुछ लोग परमानेंट मोटिवेट होंगे। आपके हाथ में है कि टेम्पररी मोटिवेट होना है या परमानेंट मोटिवेट होना है, क्योंकि टेम्पररी मोटिवेट वो होगा तो यहां से जाने के बाद तरह तरह अपने काम पे लग जाएगा, लेकिन परमानेंट मोटिवेट वो होगा जो इस रास्ते में कुछ भी दिक्कत आए, लोग मना करें, गेट बंद करें, गालियां दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाद में चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, और यहां से ठान के जाएगा कि आज इस खुशी में बैठ में ताले बजा रहा हूं, कल यहां माइक पर खड़े होकर तालियां बजवाऊंगा। लेके जाना तो ये लेके जाना, क्योंकि जो टेम्पररी मोटिवेशन होगा वो क्या करेगा, मैं समझाता हूं। यहां से 4 लोग मना करेंगे, कभी बीवी मना करेगी, कभी बच्चे मना करेंगे, कभी माँ बाप मना करेंगे, कभी पड़ोसी मना करेगा, रिश्तेदार मना करेगा, लोग अपलाइन की बात नहीं सुनेंगे, उनकी बात पक्का सुनेंगे। मेरे दोस्त एक चीज ध्यान से रखो, ना आपके मम्मी पापा गलत हैं, ना आपके रिश्तेदार गलत हैं, ना आपके दोस्त गलत हैं, गलत सिर्फ हम होंगे। क्यों होंगे इस बात को सुनो, एक मम्मी पापा को सबसे ज्यादा टेंशन ये है कि उसका बच्चा गलत रास्ते में ना चला जाए। एक रिश्तेदार को सबसे ज्यादा दिक्कत इस बात से है कि उनका कोई रिलेटिव गलत काम करके बर्बाद ना हो जाए। मेरे दोस्त, इस कंपनी की पावर और इस प्लेटफॉर्म की पावर आपने देखी, आपके मम्मी पापा ने नहीं देखी। इसकी पावर और इसकी ताकत का एहसास आपको कराया गया है, आपके दोस्त रिश्तेदार पड़ोसी को नहीं कराया गया है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, आज के बाद अपने मम्मी पापा भाई बहन दोस्त रिश्तेदार, आज से पहले जितना प्यार और सम्मान आप देते थे उससे ज्यादा देना नहीं कह रहे, लेकिन एक काम कभी गलती मत कर जाना, और वो गलती ये है कि इस काम में कामयाबी पाने के लिए आज के बाद आप अपने एक्टिव लाइन ऑफ स्पॉन्सर में जो भी अप्लाइन है उसके अलावा किसी माइक के लाल की सलाह मत मान लेना, आपको बर्बाद कर देंगे। यही मैं कहना चाहता हूं, क्या सारे लोग पॉजिटिव रहने के लिए तैयार हैं? यस। सारे लोग हर साधने की सलाह छोड़ के पड़ेगी जो इस बिजनेस में एक्सपर्ट नहीं है, क्योंकि मेरे दोस्त याद हो गया, आप जब कार सीखने के लिए जाते हो तो क्या अंगड़ी आदमी से कार सीखते हो क्या? जब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हो तो क्या किसी अनपढ़ आदमी से बच्चे को ट्यूशन पढ़वाते हो क्या? इलाज कराने जाते हो तो डॉक्टर का बैकग्राउंड चेक करते हो कि नहीं करते? जब आप घर पे गार्ड रखते हो तो उस गार्ड का बैकग्राउंड चेक करते हो कि नहीं करते? मेरे दोस्त, घर पे जब गार्ड रखते हैं, बच्चे का 500 रुपए का ट्यूशन लगवाते हैं, छोटे छोटे काम के लिए हम हर आदमी का बैकग्राउंड चेक करते हैं, लेकिन यहां पे जो आदमी आपको सलाह देना आज के बाद उसका बैकग्राउंड चेक करना कि बता तेरा बैकग्राउंड क्या है, बता तेरी हैसियत क्या है, क्या तेरी हैसियत मुझे सलाह देने की है क्या? आज तक मैंने किसी ऐसे आदमी को मुझे सलाह देने का हक नहीं दिया जो इस काम में मेरे से ज्यादा कामयाबी में नहीं है, क्योंकि जो आदमी इस काम के अंदर मेरे से ज्यादा कामयाब है वही आदमी मुझे सलाह दे सकता है। फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा आप देखिएगा, आज आपको दिक्कत नहीं आएगी,
मुश्किल काम और मेहनत करने का काम और मुश्किल वक्त निकल चुका है और ज्यादा से ज्यादा टाइम काम नहीं करना है। आज हमारी कंपनी की लॉन्चिंग डेट क्या है? 2014। आज कौन सा साल है? 22। कितने साल हो गए? 8 होने वाले। मुझे एक चीज का जवाब देना, क्या यहाँ पे कोई ऐसा आदमी बैठा है जिसने किसी परिवार में डायमंडों के मिलनों को फोटोग्राफ दिए और उनके परिवार में खुशियां आई? क्या कोई ऐसा खराब रहता है? एक अरे बहुत सारे ऐसे को जो नहीं पाऊंगा बहुत। मेरे दोस्त, सिर्फ 10 साल मेहनत करनी है, 10 साल के बाद मेहनत नहीं करनी। पूछो क्यों? क्योंकि जो कंपनी 2 नवंबर 2014 को आई थी और उसमें डायमंडो इमरडो और थंडरब्लास्ट था के, अगले 10 साल में तो जो आइटम इस दुनिया में आया वो 18 साल का बनेगा। और वो किसी और कंपनी में नहीं जाएगा क्योंकि वो तो पैदाइश जिंदगी में इस प्रोडक्ट की वजह से कॉपी राइट ट्रेडमार्क के साथ डाउनलाइन आनी शुरू हो गई है साहब। 10 साल मेहनत कर रही है, टेंशन नहीं ले रही है, लोग बहुत आएंगे, मेहनत का काम टाइम चलाएगा। हम लोगों ने तब मेहनत किया, मुझे याद है वो दिन जब लोगों के पास जाया करने के लोग मुझे बोलते थे तुम्हारा प्रोफाइल क्या है कंपनी का? मैं बताता हूं, ये प्रोफाइल आज बिहार का सबसे बड़ा इंडो स्टेडियम भरा हुआ है। लोग पूछते हैं कि कोई करोड़पति है, आप उस होटल में दिखाना शुरू करते हो तो लोग बोलते हैं बस अब हमें बना दे ज्यादा देखने की भी मत करें। जब हम आए थे और लोग बोलते थे कोई लग्जरी गाड़ी है, आज जब आप फोटो निकालते हो एक गाड़ी दो गाड़ी तीन गाड़ी चार गाड़ी दिखाते हो तब तक तो मैं फेसबुक से लाइव आकर दिखाते तो मैं एक गाड़ी होता कि नहीं होता? बिहार के धरती पे सच्चाई के साथ 1996 से डायरेक्ट से लेकर हिंदुस्तान में चल रही है। आज तक पिछले 8 साल में किसी कंपनी में इतनी करोड़पति नहीं बने जितना स्टेनलेस ने था। मुझे
वो हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं है। रास्ता बना बनाया है, ट्रैक बना बनाया हुआ है, गाड़ी को दौड़ाना है। क्या दौड़ाने के लिए तैयार है? क्या दौड़ाने के लिए तैयार है? मैं जब पहले स्पीच देने जाया करता था तो मैं ये बताता था मेरे पास कौन सी गाड़ी है। आजकल नहीं बताता हूं क्योंकि वो छोटी लगती है गाड़ियां। पहले मैं जाया करता था तो ये बताता था मैंने कितने करोड़ रुपए कमाए। आजकल बताने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले जब मैं स्पीच देता था तो मैं बताता था महीने में कितना पैसा मैं अंदर करता हूं। आजकल बताने की जरूरत नहीं है, अब भी नहीं बताऊंगा क्योंकि आपने इतने सारे लड़के को देखा। हमारे यहां में पहले कोई डायमंड बन जाता था ना तो बोलता था बस एक बार डायमंड बन जाए, एक बार डायमंड बन जाओ। मेरे दो डायमंड को 5 मिनट होते छठे मिनट को इंतजार के होते सर डायमंड डायमंड की जो इमेजी चली होगी 5 मिनट से ज्यादा मौका नहीं मिला। आप सोचिए जब इतने डायमंड हो गए, इतने ब्लू डायमंड हो गए तो क्या मुझे बताने की जरूरत है? आज ये बताने की जरूरत नहीं है। आज तो सिर्फ नाम ही काफी है कि हमारी टीम में इतने सारे अचीवर हैं और इस दुनिया में आपने क्या पाया, क्या कमाया, कहां तक पहुंचे, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। बात अगर आपका रियल अचीवमेंट है तो ये है कि आपके साथ आपके कुल कहां तक पहुंचा। ये जो आपको खुशी है ना वो कहीं नहीं मिलेगी। आज मेरी टीम भी बहुत सारे लोग कामयाब है और आज मैं बताऊं सिर्फ एक ही कह सकता हूं, आज इस हिंदुस्तान में आके हमने ऐसी ऐसी गाड़ियां मिली हैं जो आज तक नेटवर्क मार्केटिंग में किसी ने लेने की हिम्मत को छोड़ो तो सोचा नहीं। इतना बड़ा आज अगर मैं ये बोलूं कि ऑल ओवर इंडिया पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे कम टाइम के अंदर सबसे ज्यादा लग्जरी गाड़ी किसके नेटवर्क में है, और अगर इंडिया की बात कर रहा हूं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं तो एक इनाम आएगा जो आपके सामने पड़ा। चैलेंज लो, हम तो बोलते हैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूं मैं, जो मैं बता सकता हूं फिगर दे सकता हूं कितने लोगों के पास है, किसी के पास इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। लेकिन मैं जय जाते जाते आपसे एक चीज चाहिए और वो चीज ये है क्योंकि मांगा उसी से जाता है जिसके अंदर देने का दम होता है। जिसके अंदर देने का दम नहीं होता उससे कभी मांगा क्या मांग लिया जाए। जब से टीम बिहार की शुरू हुई है हमारी एसी के सिविलियंस की सबसे कम टाइम की सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाली कोई टीम है तो उसका नाम बिहार टीम है। मैं सिर्फ आपसे एक चीज चाहता हूं कि आपने पूरी कंपनी में नाम बनाया है, पूरी जान लगा देना, एडी चोटी का जोर लगा देना, कभी इस नाम को छोटा मत होने देना। विश्वास नहीं मुझे यकीन है कि वो लोग इस हॉल के अंदर से निकलेंगे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और जो लोग जीत जाते हैं उनको कॉल करने में मुझे बड़ा मजा आता है, उनसे मैं गले लगाना चाहता हूँ, उनको दिल से लगाना चाहता हूँ। और मैं आपसे चाहता हूँ कि जितने भी लोग जैसलमेर क्वालिफाई है उन सबको मैं क्वालिफाई कॉल कर रहा हूँ, प्लीज वेलकम ऑल जैसलमेर। ताना के साथ क्योंकि मेरे पास देखिए सबका नाम नहीं है लेकिन जितने भी लोग जैसलमेर अचीव कर चुके हैं सारे के सारे लोग स्टेज पे आइएगा। प्लीज वेलकम ऑल।